दोस्तों, आप लोगों ने दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न का नाम तो सुना होगा, और अगर हम पृथ्वी की बात करें तो अमेज़न जंगल हमारे पृथ्वी का हार्ट है। मीन्स हमारे पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन अमेज़न के जंगल से ही प्रोड्यूस होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं अमेज़न के जंगल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आइए चलते हैं अमेज़न जंगल की सैर में। अमेज़न का जंगल एक नहीं बल्कि 9 देशों में फैला हुआ है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा ब्राज़ील में 60%, उसके बाद पेरू में 13% और कोलंबिया में 10%। और भी ऐसे 5 देशों में अमेज़न जंगल फैला हुआ है। अमेज़न के जंगल में लगभग 4 बिलियंस यानी कि 4 अरब से भी ज्यादा पेड़ हैं। दोस्तों, यहाँ की पेड़ों की लंबाई और ये पेड़ इतने घने हैं कि यहाँ की जमीन धूप के लिए भी तरस जाती है। सूर्य की किरणें धरती तक पहुँच ही नहीं पाती। यहाँ के पेड़ इतने ज्यादा लंबे और घने हैं। विश्व का 60% रेन फॉरेस्ट का हिस्सा अकेले अमेज़न जंगल से ही आता है। क्या आप लोगों को पता है अमेज़न जंगल का कुल क्षेत्रफल 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि हमारे भारत के कुल क्षेत्रफल से भी ज्यादा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अमेज़न जंगल कितना बड़ा है। अमेज़न जंगल लगभग पृथ्वी में 4% हिस्सों में फैला हुआ है। और क्या आप लोगों को पता है अमेज़न रिवर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रिवर है। और अगर पानी के स्टोरेज की बात करें तो अमेज़न रिवर दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है। आपको पता है दुनिया की 20% रिवर अमेज़न रिवर में जाके मिलती है। और जब बारिश के दिनों में ये नदी पूरी तरह से भर जाती है तो नदी के इस कोने से उस कोने के हिस्से का पता ही नहीं चलता। देखने में ऐसा लगता है मानो कोई ओशियन देख रहे हो हम। अमेज़न के जंगल में लगभग 17,000 से भी ज्यादा पेड़ों की प्रजातियां पाई जाती हैं, और यहाँ पे 30,000 से भी ज्यादा कीड़ों की प्रजातियां पाई जाती हैं, और अमेज़न के रिवर में 5,000 से भी ज्यादा मछलियों की प्रजाति पाई जाती है। और ये बात जानकर आप लोगों को बहुत हैरानी होगी कि अमेज़न के जंगल में 3,000 से भी ज्यादा प्रजातियां केवल मकड़ी की पाई जाती हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अमेज़न जंगल में पाए जाने वाले कुछ खतरनाक जीव जंतु की। नंबर 1, बुलेट आंट। बुलेट आंट का आकार बहुत ही छोटा होता है, और इसका नाम बुलेट आंट इसीलिए रखा गया है क्योंकि इस चींटी के काटने से बुलेट लगने जैसा दर्द होता है। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सी प्रकार की चींटियां देखी होगी, लेकिन बुलेट आंट जैसी चींटी नहीं देखी होगी। इसका डंक बहुत ही मजबूत और जहरीला होता है। इसके काटने से असहनीय दर्द होता है और बहुत तेज फीवर भी चढ़ जाता है, और ये चींटी अमेज़न जंगल में बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। नंबर 2, क्या आप लोगों को पता है अमेज़न जंगल में 120 प्रकार के जहरीले मेंढक भी पाए जाते हैं। ये मेंढक देखने में बहुत ही कलरफुल और आकर्षित होते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा जहरीले होते हैं। एक मेंढक अपने जहर से लगभग 10 लोगों को मौत की नींद सुला सकता है। बहुत सारे प्रकार के मेंढक पाए जाते हैं, और बारिशों के दिन में ये ज्यादा दिखाई देते हैं। दोस्तों, अगर कोई वहां घूमने जाता है और गलती से अगर इन मेंढकों में नजर चली गई तो वो बहुत ज्यादा दूर चले जाते हैं। नंबर 3, एनाकोंडा। दोस्तों, आप लोगों ने कई हॉलीवुड मूवीज में एनाकोंडा देखे होंगे। इनका साइज इतना बड़ा होता है कि ये इंसानों को डायरेक्ट निगल जाते हैं। अमेज़न जंगल में भी एनाकोंडा पाए जाते हैं, लेकिन वो इतने बड़े नहीं होते। उनकी लंबाई 30 से 40 फीट तक होती है। दोस्तों, ये छोटे बड़े जानवरों को निगल के ही खा जाते हैं, और अगर ये किसी जानवर को खा लेते हैं तो लगभग उसके बाद 1 महीने तक ये बिना कुछ खाए रह सकते हैं। और ये एनाकोंडा ज्यादातर दलदली यानी कि पानी वाली जगह में पाए जाते हैं। नंबर 4, क्या आप लोगों को पता है अमेज़न जंगल में एक ऐसी रिवर भी पाई जाती है जिसका टेम्परेचर 110 डिग्री है, और कहीं कहीं पर इसका पानी उबलता हुआ भी दिखाई देता है। इस नदी का पानी एकदम खौलता हुआ रहता है, और यहाँ के आसपास की जनजाति के लोग जो रहते हैं, अगर किसी की मौत हो जाती है तो उस डेड बॉडी को दफनाने या फिर जलाने के बजाय इस खौलती हुई नदी में डाल देते हैं। वहाँ की जनजातियों का मानना है कि इस नदी को स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। नंबर 5, अमेज़न जंगल में सबसे खतरनाक और खूनी जानवर जगुआर को माना जाता है। ये एक प्रकार के तेंदुए के प्रजाति का जानवर है, और जगुआर बहुत ही फुर्तीला होता है, और ये इंसानों से दूर रहता है, और ये जानवरों का ज्यादा शिकार करता है।
नंबर 6, क्या आप लोगों को पता है अमेज़न जंगल में एक प्रकार का ईगल पाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। इस ईगल की साइज बहुत ही बड़ी होती है और इसके केवल पंख की लंबाई 3 फीट से ज्यादा होती है और इसका वजन 5 से 6 किलो तक का होता है और ये अपने वजन से दोगुना वजन अपने पंजे में पकड़ के उड़ सकता है। ये ईगल ज्यादातर बंदरों को अपना शिकार बनाता है और उसे अपने पंजों से उठा लेता है और ये जानवरों के बच्चों को भी शिकार बनाता है और उन्हें उठा के उड़ जाता है। ये बहुत ही खतरनाक माना जाता है लेकिन अब धीरे धीरे इनकी प्रजातियां लुप्त हो रही है। तो दोस्तों ये थी अमेज़न जंगल की कुछ बातें। ऐसी ही और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।